गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था, डायपोल के बारे में देखा था। अब हम लोग डायपोल के, अब जैसा कि आपको बताया था कि डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझिएगा ध्यान से क्या चीज है। डायपोल के बारे में हम बताया था, डायपोल क्या होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज का एक सिस्टम, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी है 2a, ठीक है। और एक्सियल पोजीशन क्या होगा, एक ऐसा एक्सिस जो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग से गुजर रहा हो। तो इस एक्सियल इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है, डायपोल के सेंटर से। तो डायपोल के सेंटर से, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन तो बस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको एक डायपोल कंसीडर करना होगा। डायपोल कंसीडर करने के बाद, ये डायपोल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, डायपोल कंसीडर करने के बाद उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस 2a बिटवीन द टू टाइप ऑफ चार्जेस। समझो ध्यान से, हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट नेचर का चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं। इस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही है और अपोजिट नेचर का है और सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए, कुछ दूरी पे रखे हुए। तो वो जो दूरी है वो हमने 2a माना है, क्यों माना है अभी बताएंगे। तो इसमें हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज क्यू, चार्ज का जो डायपोल है उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू एंड डिस्टेंस 2a बिटवीन द टू टाइप ऑफ चार्जेस। और आपको पता है कि डायपोल में दो टाइप के चार्ज होते हैं, तो दोनों टाइप के चार्जेस में 2a, दोनों टाइप के चार्जेस के बीच में कितनी दूरी है 2a, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमने कंसीडर कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें डायपोल के सेंटर से r दूरी पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां क्या लिखेंगे, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है बच्चों, थ्योरी आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए एंड क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ेगा, ठीक है।
लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस टू ए बिटवीन द टू टाइप ऑफ चार्जेस. वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. ठीक है, चलो इसको रब करता हूं. तो आप समझिए ध्यान से कि इसके सेंटर से, ठीक है, यहां से r दूरी पर कोई पॉइंट होगा, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ o. इस पॉइंट, इस पोजीशन का नाम दे देते हैं a और इस पोजीशन का नाम दे देते हैं b. कोई दिक्कत नहीं है, ये इस इनके पोजीशन का नाम है और इन दोनों के बीच में दूरी है 2a. अब इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है सिंपल. q चार्ज की वजह से, पॉजिटिव q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, फिर नेगेटिव q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, ठीक है, और दोनों को वेक्टर सम से, वेक्टर सम कर देना, दोनों का ऐड कर देना वेक्टरली, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बताया था पहले लेक्चर. तो आओ आगे बढ़ते हैं. तो आप बताइए जरा, इस चार्ज से पॉइंट ए से ओ की दूरी कितनी होगी? देखो बच्चों, ये है टोटल आर और ये मिड पॉइंट है. बेसिकली हमने क्या कहा है, डायपोल के सेंटर से. तो आप समझ लो कि ये दूरी यहां से यहां तक ए होगी और फिर यहां से यहां तक की दूरी भी ए होगी. अब ये टोटल दूरी है आर, ए घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का आर माइनस ए. बहुत बढ़िया. सिमिलरली ये दूरी यहां से लेकर के बी तक का, ओ से बी तक का दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस ए. क्यों, कैसे, देखो ध्यान से, आर प्लस ए कैसे, देखो ये कैसे हुआ, सेंटर से दूरी है इस पॉइंट की आर प्लस ए, क्लियर है. तो अब कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है और उसके बाद दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, ऐड कर देंगे. चलो ओके. तो एक चीज हमें डेरिवेशन करने से पहले एक चीज डिफाइन कर लेना है, जिसके टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो है हमारा डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का परिभाषा इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था. तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज. डायपोल के में दो अलग अलग टाइप के चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के निश्चित दूरी पर रखे गए होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल. और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज. मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, ठीक है. तो डायपोल मोमेंट को जरा यहां पे हम P से डिनोट करेंगे. P है क्या हमारा, डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट बराबर क्या होगा, Q इंटू टू ए. डायरेक्शन कहां से कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब Q इंटू टू ए, नेगेटिव टू पॉजिटिव को हम लोग लिख लेंगे P यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये होगा हमारा P वेक्टर. और P यूनिट वेक्टर के बारे में हम बता सकते हैं, P यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक ले लेंगे, B से A, B से A के अलोंग. ये देखो ये हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव का डायरेक्शन P वेक्टर का इधर की तरफ होगा. तो यहां P यूनिट वेक्टर के बारे में क्या लिख देंगे, बी टू ए, ठीक है, समझ आ गए. चलो आओ, तो अब क्या करेंगे, लिखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ. देखो बच्चों ध्यान से एक बात समझना, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बट आपको पूरा लिखना है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है. अब
वेक्टर फॉर्म में भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये सब लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ये आप पीछे जाके देखिए। के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ डिस्टेंस जो है पॉइंट का चार्ज से, इस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है, आर माइनस है, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताया था, पॉजिटिव चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, तो यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू ओ। अब देखो ए टू ओ जो डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो डायरेक्शन है वो P वेक्टर का डायरेक्शन, यानी ये जो डायरेक्शन है ए टू ओ वो बिल्कुल B से A या A से O की तरफ हो तो सेम डायरेक्शन है, O से A की तरफ, A से B की तरफ अपोजिट डायरेक्शन होगा, जो P वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम यहां पे इजिली लिख सकते हैं के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी यूनिट वेक्टर। क्यों लिख दिया पी यूनिट वेक्टर, आप ध्यान से समझो कि बी से ए का जो डायरेक्शन है, ए से ओ का भी वही डायरेक्शन है। क्लियर, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आ गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिखते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है। क्या लिखेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या लिख सकते हैं, वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, वो कितना है यहां पर, आर प्लस ए, हम लिख लेंगे के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बच्चों, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको बताया था नेगेटिव चार्ज के लिए अनंत से शुरू होगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो अनंत से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होगा वो होगा ई प्लस क्यू की वजह से, सॉरी प्लस क्यू चार्ज की वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस क्यू चार्ज की वजह से ओ से बी, ओ टू बी। और ये आप बताओ, देखो पी यूनिट वेक्टर को हमने बताया है बी टू ए, तो इसके उल्टे डायरेक्शन को तो माइनस पी यूनिट वेक्टर लेंगे, तो क्या लिख लेंगे के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये देखो ये मैं डायग्राम अभी यहां नहीं मिटाऊंगा, यही आप लिख लो और मैं इसे रब कर रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके आप लिख लो इसे। ठीक है, अब देखो प्लस चार्ज की वजह से लिख लिया, माइनस चार्ज की वजह से लिख लिया, अब लिखना है टोटल चार्ज ई नेट एट ओ। तो ई नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर लिख सकते हैं ई प्लस क्यू प्लस ई क्यू प्लस प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से क्या लिखा जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी यूनिट वेक्टर प्लस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी यूनिट वेक्टर। अब आप समझ गए, अब क्या करना है आपको, देखो के क्यू तो कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया वन बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी यूनिट वेक्टर। आप समझ रहे हैं, माइनस साइन यहां आ गया और पी यूनिट वेक्टर बाहर चला गया। अब क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, के क्यू इंटू कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन सिंपल आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, और नीचे क्या हो जाएगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी यूनिट वेक्टर।
अब कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब मैं ये डायग्राम भी मिटा सकता हूं। और अब ध्यान से देखिए, यहां कैलकुलेशन करेंगे, ये कट जाएगा सिंपली। आपके पास क्या आ गया, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 + 2 = 4, तो 2KQ × 2AR अपॉन R² - A² का 4² ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने क्यों लिखा है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये 4AR जो लिखा हुआ था उसे मैंने इस तरीके से लिख दिया है, क्योंकि Q into 2A को मैं P वेक्टर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे एक P यूनिट वेक्टर पहले से, जैसे कि आपको पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, 2KP वेक्टर × R अपॉन R² - A² का पावर 2। अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो डायपोल होता है ना हमारा, इन प्रैक्टिकल द डिस्टेंस बिटवीन डायपोल इज वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल मिलीमीटर और इस ऑर्डर में होता है दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस, या सेंटीमीटर में। और जो रियलिटी में जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वो काफी लार्ज होता है, मतलब ये सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि R इज मच मच ग्रेटर देन A, और R अगर A से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बहुत कम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे समझो कि आपसे कह दिया किसी ने 10,000 - 0.0001 बताओ कितना होगा, तो ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि 10,000 में से इतना सब्ट्रैक्ट आप नहीं करेंगे, 10,000 ही नियरली हम आंसर लिख देते हैं। तो बस वही बात है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, तो आर की पावर 4, और आर की पावर 4 होते ही एक आर ऊपर से कट जाएगा, तो 2KP वेक्टर अपॉन आर की पावर 4 और एक आर है, तो यहाँ कट के 3 आ गया, आंसर आ जाएगा 2KP वेक्टर अपॉन RQ, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज जनरलाइज्ड, सॉरी एक्सियल पॉइंट पर हमने एक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड CBSE दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर में बस यही डेरिवेशन। नेक्स्ट अगला लेक्चर में इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे सब आप कर लीजिएगा, और आप यूट्यूब पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप एंड फेसबुक सोशल मीडिया पे ही आप जहां भी पूछें, मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास, तो आप कॉल करके डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ, ये इसका इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो डायपोल का एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पोजीशन, समझ में आ रहा है, तो कल हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।